मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ जी। देखोगे तो हर मोड़ पे लाशें मिलेंगी। वाह वाह वाह, क्या बात। देखोगे तो हर मोड़ पे लाशें मिलेंगी, ढूंढोगे तो शायद कातिल ना मिलेगा। जम्मू कश्मीर असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त तशहीर का सिलसिला शुरू हो चुका है। आपको बताते चलें कि हम लगातार आपको बनी असम्बली हलके से मुख्तलिफ लीडरों की तशहीर जो है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि किस तरह के मुद्दे हर इलाके के अंदर लोग उठा रहे हैं और जो सब्ज़ बाग जो है वो इस वक्त हर लीडर जो है वो एक हिसाब से वादे ही कर सकता है क्योंकि पावर में कोई नहीं है। और अगर बात करें तो पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ पार्टीज़ ऐसी हैं जिनके अंदर कुछ लीडर्स दल बदलने का सिलसिला शुरू कर रहे हैं क्योंकि उनके अंदर जो लीडर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं और हर लीडर यही चाहता है कि मैं ही असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लूं। इस वक्त की अगर बात करें तो हम लोहाई के इलाके में मौजूद हैं जो बनी असेंबली हलके का एक इलाका है। लोहाई इलाके के अंदर इस वक्त डॉक्टर रामेश्वर अपनी तशहीर जो है वो कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि यहाँ के लोग जो है वो उनके साथ जो है वो अपनी मुश्किल उनके सामने रख रहे हैं और उनसे वादा ले रहे हैं कि आने वाले वक्त में अगर हम उनको उनका साथ देते हैं, अगर उन्हें असम्बली में रुकने असम्बली के तौर पर भेजते हैं तो क्या वो हमारी मुश्किलात जो है वो हल करेंगे या नहीं। आपको बताते चलें कि इस वक्त हम लोहाई के इलाके में मौजूद हैं और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि डॉक्टर रामेश्वर के साथ यहाँ पर मकामी लोग मौजूद हैं। सबसे पहले हम डॉक्टर रामेश्वर से ये सवाल करेंगे कि इस इलाके के अंदर लोगों की क्या मुश्किलात हैं और दूसरा सवाल ये होगा कि अगर यहाँ के लोग उनका पुरजोर ताउन करते हैं, उनका साथ देते हैं, वोट देते हैं उनको और असेंबली में अपने रुकन के तौर पर, अपने नुमाइंदे के तौर पर चुनकर भेजते हैं तो क्या उनकी मुश्किलात का हल होगा, क्या इन लोगों को इस बात पर उम्मीद रखनी चाहिए या नहीं। सर, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि पिछले कई दिनों से आप लोहाई मलहर के इलाके के अंदर दौरा कर रहे हैं, जब भी हमारे इलाकों के अंदर कोई लीडर हो या कोई एडमिनिस्ट्रेशन का शख्स जो है वो किसी भी इलाके के अंदर जाता है तो लोग अपनी मुश्किलात बताते हैं, उनकी नहीं सुनते वो, जो वादे करें, जो दावे करें, अब तो लोगों का यकीन भी उठ चुका है। तो आपने, आप जो है वो पहली बार सियासत में आए हैं तो लोगों की किस तरह की मुश्किलात जो है वो आपके सामने आ रही हैं, किस तरह की मुश्किलात लोग आपको बता रहे हैं? मैं आपको एक शेर सुनाता हूं। जी। देखोगे तो हर मोड़ पे लाशें मिलेंगी। वाह वाह वाह, क्या बात। देखोगे तो हर मोड़ पे लाशें मिलेंगी, ढूंढोगे तो शायद कातिल ना मिलेगा। वाह वाह वाह, क्या बात। यहाँ पे एक मुश्किल हो तो मैं आपको बताऊं जी, ये पूरी बनी कॉन्स्टिट्यूएंसी ही मुश्किलों से भरी हुई है और खासकर ये लोहाई मलहर। यहाँ पे आप मुझसे सवाल ये पूछो कि यहाँ पे तरक्की क्या हुई है, मुश्किलें मत पूछो क्योंकि तरक्की के नाम पे, मुश्किलों के नाम पे यहाँ पे है ही कुछ नहीं। स्कूल के नाम पे यहाँ पे जो चल रहा है वो स्कूल नहीं है जनाब जी। स्कूल एक ऐसा दायरा है जहाँ बच्चों का भविष्य बनाया जाता है, यहाँ से डॉक्टर निकलते हैं, हमारा देश का फ्यूचर निकलता है जी। लेकिन जो फ्यूचर बनाने वाली संस्था है अगर वही चरमरा जाए, वहाँ पे टीचर ना हो, स्कूल की बिल्डिंग ना हो, तो आने वाले भविष्य का आप सोच सकते हो कि क्या हाल होगा। यहाँ सड़क के नाम पे कहीं सड़क दिखती ही नहीं है, अगर दिखेगी भी तो वो भी तो खड्डों से भरी हुई, लैंडस्लाइड से 6-6 महीने 3-3 साल ये रोड बंद रहते हैं, बिजली की तारें लकड़ी के खंभों पे और पेड़ के साथ लटकी हुई हैं। और जनाब पानी के नल, हर घर जल नल के जो वादे किए गए हैं वो ना मुझे जल दिखा और ना नल दिखा जी। यहाँ पे आज भी लोग इन सारी फैसिलिटी से, डिजिटल इंडिया नेटवर्क आपको कहीं नहीं मिलेगा, शाइनिंग भारत, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, कुछ नहीं है, सब जीरो है। जो वादे और दावे किए जाते हैं, बड़ी बड़े लीडर्स दावे और वादे किए करते हैं, उन दावों की मुझे 1% भी यहाँ पे कुछ नहीं मिली। मैं इन लोगों को गारंटी दे सकता हूँ अभी जी। लेकिन वो पता मेरे जीतने के बाद लगेगा अगर ये मौका मुझे देंगे। यहाँ पे एक बार हमारे XMLA साहब आए थे 10 साल पहले जी, वोट लेने के लिए, और फिर 10 साल के बाद फिर से वोट लेने के लिए आए हैं। उसके बीच में उन्होंने यहाँ पे लोगों का हाल पूछने की भी जहमत नहीं उठाई कि आप जिंदा हो या मर गए हो,
आप किस हाल में हो, आपको क्या मुश्किल आ रही है, कोई पता नहीं है। अगर हम यहाँ के लोगों से जब ज़ाती तौर पर बात करते हैं तो वो दो चीज़ें बताते हैं, ना तो हमारा यहाँ का लीडर है और बनी के जो लीडर्स हैं वो हमारे साथ सोतीली माँ का सलूक कर रहे हैं। बिल्कुल सही बोलते हैं, क्योंकि आज तक जो लीडर है वो देरी गले से उस तरफ की ही रही लीडरशिप रही, इस तरफ कहीं भी लीडरशिप नहीं आई। और इन लोगों ने ऐसा नहीं, इन लोगों ने कभी भी सौतेला व्यवहार नहीं किया, इन लोगों ने भर चढ़ के पेटियाँ भर भर के यहाँ के वोट दिए बनी को कि इस उम्मीद से ये लीडर नहीं तो ये लीडर, ये लीडर नहीं तो ये लीडर, कोई ना कोई आके यहाँ पे हमारी तकदीर बदलेगा। ना तो तकदीर बदली, ना तो तस्वीर बदली, हालात वहीं के वहीं रहे, वोट लेके बनी चले गए, बनी बैठे रहे, बिलावर में इनको बुला के मीटिंगें की जाती हैं, यहाँ पे आने की जहमत कोई नहीं उठाता। हमारे बनी में, बनी की बात कर रहा हूँ, बनी और डुगन ब्लॉक में एक कॉलेज है जी, जो आधा अधूरा है जी, जहाँ पे सिर्फ आर्ट्स ही पढ़ाया जाता है, मेडिकल नॉन मेडिकल कुछ नहीं है जी। लेकिन यहाँ पे दो ब्लॉक हैं, डुगैनी और लोहे में, यहाँ कॉलेज ही नहीं है, एक भी कॉलेज नहीं है यहाँ पे। यहाँ आर्ट्स तो छोड़ो, यहाँ कॉलेज नाम की कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे। तो आप खुद सोच सकते हो कि आई ये लोग हमारे बच्चों का भविष्य कहाँ लेके जा रहे हैं। और यही बात यहाँ के जो लोग बोलते हैं, सच बोलते हैं कि यहाँ पे कोई लीडर द्वारा नहीं आता, वोट लेने के बाद चले जाते हैं, अगली बार वोट लेने आते हैं। हमारे XMLA साहब का मैंने भाषण सुना यहाँ पे, अब वो वोट किस चीज़ पे मांग रहे हैं कि हमारे मोदी साहब ने 10 साल पहले एक 370 तोड़ी जी, 370 तोड़ने के नाम पे वोट दो जी, क्योंकि 370 तोड़ी उसके नाम पे वोट दो, मोदी साहब के नाम पे वोट दो। अगर मोदी साहब को वोट नहीं दोगे, 370 जो है टूटी है वो फिर से जुड़ जाएगी। मतलब इस हद तक वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। अपने नाम पे डेवलपमेंट की एक चीज़ नहीं बता रहे कि मैंने इस 10 साल में क्या किया है। ST स्टेटस यहाँ से चला गया जी, उसके लिए ये बोलते हैं कि हम पार्लियामेंट में नहीं थे। क्यों नहीं थे? जब ये बिल पास हुआ पार्लियामेंट में तो इनकी ही सरकार थी जी। अमित शाह जी ने वहाँ पर बोला था इनकी सरकार थी, क्यों नहीं लागू किया? रजौरी पुंछ का नाम ले लिया, बनी का क्यों नहीं लिया गया? बनी लोहाई मलार का नाम क्यों नहीं लिया गया जी? आज हालात ये हैं कि यहाँ पे स्कूल फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, रोड अच्छी नहीं है, और लीडरों से भरोसा बिल्कुल उठ गया है। नए लीडरों को विश्वास दिलाने के लिए जितनी जहमत उठानी पड़ रही है, जितना कष्ट उठाना पड़ रहा है, वो हम लोग जानते हैं। लेकिन ये हम पता नहीं उनको विश्वास दिला पाएंगे या नहीं दिला पाएंगे। अगर यहाँ के लोग आपको, आपने कहा कि पेटियाँ भर भर कर वोट देते हैं, अगर यहाँ के लोग आपको पेटियाँ भर भर कर वोट देते हैं तो क्या आप अपने वादों पे खरे उतरेंगे? आप इस इलाके की तस्वीर और तकदीर बदलने की कोशिश करेंगे? ये लोग मुझे मौका देंगे और उस कुर्सी पे पहुंचाएंगे तो इन लोगों के पास 5 साल में एक बार या साल में एक बार नहीं आऊंगा, हर 3 महीने के बाद यहाँ पे आऊंगा, पब्लिक दरबार लगेगा। वो जो यकीन, जिस तरह से लोगों का यकीन उठ चुका है, तो आप लोगों को यकीन कैसे दिलाएं? देखो, अब मेरे पास यकीन दिलाने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ वर्ड्स हैं, यही बोल सकता हूँ, ऑन रिकॉर्ड बोल सकता हूँ, कैमरा में बोल सकता हूँ, ये मेरे वर्ड्स ऑन रिकॉर्ड रह सकते हैं। इससे ज्यादा अगर इनको कुछ रिटर्न में चाहिए तो मैं वो भी दे सकता हूँ, लेकिन ये वर्ड्स मैं बोल के जा रहा हूँ कि हर 3 महीने के बाद, जो सिर्फ दरबार एक बनी में ही लगता है, वो हर 3 महीने के बाद दरबार यहाँ पे लगेगा। पूरी एडमिनिस्ट्रेशन विद एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे SDM होगा, तहसीलदार होगा, BMO होगा, BDO होगा, और इनके गांव के फैसले बनी जा बिलावर में बैठ के नहीं किए जाएंगे, इन लोगों के बीच में बैठ के किए जाएंगे। ये मैं ऑन वर्ड्स बोल रहा हूँ, और जो भी डिमांड्स होंगी इनकी पूरी की जाएगी। सबसे बड़ी डिमांड इनकी कॉलेज की है, वो इनको पूरा पक्का दिया जाएगा। इनकी हाई सेकेंडरी की मैं जो भी यहाँ पे वैकेंसीज है वो फिलअप की जाएगी, और जितने भी इशूज हैं इनके बीच में बैठ के सॉल्व आउट किए जाएंगे। अगर बात करें तस्हीर के सिलसिले में, लोग हर लीडर के साथ चलते हैं, क्योंकि गाँव के लोग हैं, गरीब लोग हैं, तो हर लीडर के साथ लोग चलते हैं, हाँ हाँ करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। ये तो पता बाद में चलेगा कि किस लीडर पर लोग यकीन करेंगे और किस लीडर को जो है वो वोट करेंगे, किस लीडर को चुनकर असेंबली में भेजेंगे। अभी हमारे साथ मुफ्ती अलियास मौजूद हैं, जो कि लोहाई इलाके से हैं। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो लोगों का यकीन उठ चुका है लीडरों से, तो लोगों को यकीन दिलाने के लिए लीडरों को क्या करना होगा। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब। तो जैसे कि आपने पूछा कि यकीन कैसे करेंगे आप जी, तो यकीन के लिए कोई ये नहीं है, जनाब ने हमें बता दिया कि कोई यकीन करता है कसम पर, कोई किसी और चीज़ पर यकीन करता है। तो इन्होंने ये कहा कि भाई हम धर्म देते हैं अपना जी, तो धर्म से बढ़कर के कोई चीज़ नहीं होती है। इन्होंने धर्म दिया है जी, तो मैं आम लोगों से भी यही गुजारिश करूँगा कि यकीन तो हमें करना ही होगा किसी न किसी बंदे पर, किसी न किसी आदमी पर हमें यकीन करना ही होगा। लेकिन हम जो है इस बार लोहाई मल्हार के लोग, नेलो के लोग, थाल के लोग, और आपके बदनोता पंचायत के लोग, और इसी तरह से मच्छेडी
और उससे आगे भी जो सदरोता के लोग हैं ये सारे मिल करके एक फैसला करेंगे। जैसे कि मैंने सबसे पहले यहाँ से बयान जारी किया था लोहाई से कि हम वोट जो देंगे मुद्दों पर वोट देंगे, हम वोट जो देंगे डेवलपमेंट के आधार पर देंगे, हम वोट देंगे उस बंदे को जो हमारी लड़ाई लड़ेगा, जो हमें हक दिलाएगा, जो हमारे साथ इंसाफ के साथ पेश आएगा, जो हमें लॉलीपॉप नहीं दिखाएगा, जो हमें सब्ज़ बाग नहीं दिखाएगा। अभी तक तो तमाम लोगों ने आपके साथ तरक्की के वादे किए होंगे, तो इस बार जो तरक्की का वादा करके जाएगा अगर उसने भी उस तरक्की को वादे को पूरा नहीं किया तो आप क्या करेंगे? तो हमारे पास एक बहुत अच्छी चीज़ है, ये एक उंगली से जो है हम बड़े बड़े बादशाह को जमीन पर ला सकते हैं और बड़े छोटे से छोटे इंसान को जो है उस तख्त पर बिठा सकते हैं। ये इससे पहले भी हमने करके दिखाया है, बल्कि जिन्होंने हमारे साथ झूठे वादे किए आज देखें वो 10 साल से इसी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो है वो घूम रहे हैं, मगर उनको वोट देने वाला कोई नहीं मिलेगा, उनको वोट देने वाला कोई नहीं मिलेगा। क्यों? इसलिए कि जो हमारे साथ झूठे वादे करेगा, आज जनता सब कुछ जानती है, ये पब्लिक है, ये सारा इनके सामने सब कुछ है। आज बोलते हैं कि ये जो हमारा ये जो मीडिया है, मीडिया के माध्यम से वो ज़माना चला गया जब मीडिया नहीं हुआ करता था, आज मीडिया है हमारे पास, आज सोशल मीडिया है, आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आज अखबार है, आज सब कुछ है, आज हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे एक फ़ोन कॉल पर जो है पूरी ये जनता जमा हो सकती है, एक जगह जमा हो सकती है, एक जगह जमा होकर के हम फैसला करेंगे कि हमें किधर जाना है। ये थे हमारे साथ लोहाई से मुफ्ती इलियास, जिनसे हमने बातचीत की। इनका कहना है कि वोट के ज़रिए से हम लीडरों को अपनी ताकत का जवाब दे सकते हैं। 5 साल के बाद हर इलाके के लोगों के पास ये ताकत होती है, हर शख्स के पास ताकत होती है कि वोट के ज़रिए से वो लीडरों को जवाब दे सकते हैं। इस वक्त लोहाई के मल्हार से बराह रास्त हम आपको ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक और शख्स हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का बदलाव अपने इलाके के अंदर चाहते हैं। सर, सबसे पहले तो इस इलाके की तरक्की के बारे में जानना चाहेंगे और इस इलाके की तनज़ुली के बारे में जानना चाहेंगे और ये जानना चाहेंगे कि इलाके के लोग किस तरह की तरक्की चाहते हैं, किस तरह का बदलाव चाहते हैं और किस तरह का लीडर चाहते हैं। मैं सबसे पहले इस चैनल में आपका शुक्रिया अदा करता हूं जी। तो यहां के जो इस वक्त के जो जनता है वो सबसे पहले तो भाईचारा चाहते हैं कि हमें वो लीडर चाहिए जो जात पात पे वोट ना मांगे जी। तो उसके बाद डेवलपमेंट तो हर इंसान चाहता है, हमारे रोड बने, हमारे सबसे बेसिक चीज़ जो है वो एजुकेशन हो, हमारे स्कूल का एक जो बिल्डिंग का मसला है बड़े अरसे दे रहना 2014 से बंद पड़ा है, काफ़ी ज़्यादा उसको वहाँ सेंटर तक बात पहुँची, हमारी एक छोटी बच्ची ने गुहार लगाई थी मोदी साहब से, लेकिन वो जूँ की तू है, एक ईंट भी नहीं हिली वहाँ से, एक गर्दे का कतरा भी नहीं, ज़र्रा भी नहीं हिला। तो हम वो सरकार चाहते हैं, हम उसको वोट करें कि जो हमारी बात सुने और हमारी आवाम की बात सुने, गरीब और अमीर की बात सुने, ज़ात पात पे ना वोट मांगे, क्योंकि हम सब लोग हिंदुस्तानी हैं, हम लोग सब इंसान हैं उस खुदा के बनाए हुए, अगर वो ज़ात पात नहीं बनाता हमें, खुदा हमें सबको रोशनी देता है, सबको रिजिक देता है, वो उसको नहीं है कि हम एक ज़ात को कम दें दूसरी को, तो हम भेदभाव क्यों करें। तो हम वो लीडर चाहते हैं कि जो हमारे मुद्दे आगे जा के फाइट करें और वहाँ भरोसा तो करना पड़ेगा किसी न किसी पे जो आज तक करते रहे, धोखे देते रहे, लेकिन जैसे इन्होंने धर्म की बात की तो धर्म पे हम सबको भरोसा करना चाहिए, धर्म तो ऊपर वाले का होता है, तो ऊपर वाले के सामने अगर कोई धोखा दे जाता है तो फिर वही हाल होगा जो पहले वाले लीडरों का होगा, खासकर जो इस इलाके के साथ जिन्होंने खिलवाड़ किया वो लीडर सामने अपना आप भी देख रहे हैं और हम भी उनका तमाशा देख रहे हैं। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ये थे लोहाई से हमारे साथ एक शख्स, अगर आपको बताएं तो इस वक्त लोगों का किसी न किसी लीडर पर यकीन करना मजबूरी बन चुका है। यहाँ के लोग बुनियादी ज़रूरियात से महरूम हैं, तालीम से महरूम, पानी से महरूम, बिजली से महरूम और स्कूल का जो निज़ाम है, कह रहे हैं कि आज से कुछ साल पहले यहाँ से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, वो वीडियो जो है वो दिल्ली तक पहुँचा था और जिस वीडियो पर हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी अपना जो रिएक्शन दिया था, लेकिन आज ये लोग कह रहे हैं कि उस स्कूल की हालत उसी तरह की है, खस्ता हालत है, ईंट भी नहीं हिली उस स्कूल की और ना तो कोई तामीर का काम जारी है, ना तरक्की का काम जारी है। आपको बताएं कि 10 साल के बाद आज इलाके के लोगों को फिर से मजबूरन किसी ना किसी शख्स पर यकीन करना होगा, अपने वोट की ताकत को दिखाना होगा कि लोग अपने वोट की ताकत से जो है वो एक बादशाह को अपनी कुर्सी से गिरा भी सकते हैं और उस कुर्सी पर बिठा भी सकते हैं। और इसी के साथ दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।
संतगढ़ में रहने लिए हैं। चलो आओ, अब हमारे पार्टी का पटे सके, आइए सारे जने। पहाड़ी बिरादरी जिंदाबाद, पहाड़ी बिरादरी जिंदाबाद, पहाड़ी एकता जिंदाबाद, पहाड़ी एकता जिंदाबाद, लोहाई की जनता जिंदाबाद, लोहाई की जनता जिंदाबाद। छीन के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। जो हॉस्पिटल, जो सरकार हॉस्पिटल में डॉक्टर ना दे वो सरकार नकम्मी है, जो सरकार स्कूल में टीचर ना दे वो सरकार नकम्मी है, जो सरकार सड़क ना दे वो सरकार नकम्मी है, जो सरकार बिजली ना दे वो सरकार नकम्मी है, जो सरकार पानी ना दे वो सरकार नकम्मी है, जो सरकार एसपीओ को परमानेंट न करे वो सरकार नकम्मी है, जो सरकार डेली वेजर को परमानेंट न करे वो सरकार नकम्मी है, जो सरकार पहाड़ी स्टेटस न दे वो सरकार नकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो लीडर निकम्मे हैं वो लीडर बदलने हैं, जो लीडर निकम्मे हैं वो लीडर बदलने हैं। साहब आगे बढ़ो, हम हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब आगे बढ़ो, हम हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब आगे बढ़ो, हम हमारे साथ हैं। मल्हार की मजबूरी है, डॉक्टर साहब जरूरी है। मल्हार की मजबूरी है, डॉक्टर साहब जरूरी है। लोही की मजबूरी है, डॉक्टर साहब जरूरी है। मुछड्डी की मजबूरी है, डॉक्टर साहब जरूरी है।